प्रदीप मौर्य है। प्रदीप मौर्य बेबाकी से अपने शब्दों को, तंज भरे शब्दों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। कोशिश रहती है कि जो जन समस्याएं हैं, हमारी समस्याएं हैं, युवाओं की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, या जो भी अमेठी की समस्याएं हैं, प्रदेश प्रदेश की समस्याएं हैं, उनको गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए ताकि सरकार तक पहुंचे और शायद उनको लगे तो बेहतर करने की कोशिश करें। हाल में आप अमेठी में हैं, अमेठी का जब जिक्र होता है तो गांधी परिवार का नाम लिया जाता है, उसको किले को भेजने के लिए यहाँ स्मृति ईरानी आई, कामयाब भी होगी। हमारे जो इश्यूज हैं उस पर मैंने लिखा था, लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए कि जैसे हम युवा हैं तो युवाओं की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, और गीत पहले रोजगार से शुरू करते हैं, फिर अमेठी की जो समस्या है अमेठी पर आते हैं कि अमेठी में इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हुआ, अमेठी में एजुकेशनल सिचुएशन क्यों नहीं बदली, उन पर आते हैं। पहले हम रोजगार पर ही कुछ सुनाते हैं। देखिए, अभी हाल ही में एक गाना आया था कि जो राम फुलाएं हम उनको लाएंगे, पिछले चुनाव में बहुत फेमस हुआ था, तो उस पर मैंने लिखा था कि राम तो पहले से ही हैं, राम को लाना एक तरीके से छोटा मुंह बड़ी बात करना है। तो उस पर मैंने लिखा था कि नेताओं का काम होता है शिक्षा लाना, रोजगार लाना, तो हम क्या चाहते हैं देखेगा। रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे, रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे, अब मंदिर मस्जिद के झांसे में न आएंगे, रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। और कहना है कि ना यगड़ा पिछड़ा में ना हिंदू मुस्लिम में, ना यगड़ा पिछड़ा में ना हिंदू मुस्लिम में, शिक्षा और रोजी पर हम बटन दबाएंगे, रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। और स्कूलों की क्या स्थितियाँ हैं देखेगा, स्कूल भी खाली है कॉलेज भी खाली है, दो शिक्षक दो सौ को बोलो कैसे पढ़ाएंगे, रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। कुछ यूँ स्थितियाँ हैं।